भी बीजी माफ करना, जरा सुबह सुबह आँख लग गई थी, पर आप तो अभी तक जाग रही हो। मैंने कहा अभी था कि आप सो जाओ, मैं बाहर पहरा दे रही हूँ। मेरी आँख नहीं लगी। बीबी मैंने आपसे कितनी बारी पूछा पर आपने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। कम से कम इस दाग के बारे में तो बता दो ना कि ये क्या है। जिस तरह तुम्हारा शौहर तुम्हें जुए में हार गया, उसी तरह मेरा शौहर शादी के पहले दिन ही मुझे ये खिताब देकर हमेशा के लिए दूर चला गया मुझसे। ओ बीबी जी, तुमने ना बहुत ही कमीने आदमी से ब्याह रचाया। रजिया उसे गाली मत देना, किसी और के मुंह से उसके लिए कुछ नहीं सुन सकती, और अब इससे ज्यादा मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। सुनो, तुम्हारे पास तुम्हारा कोई पुराना सा जोड़ा होगा, मैं ये शादी के लिबास में जाऊंगी, बिला वजह लोगों की नजरों में आऊंगी। पर मारे कपड़े? पर बीबी जी, अरे कपड़े आपके काबिल कहाँ हैं? अरे हाँ, याद आया, वो बंगले वाली मैडम है ना, उसने अपना एक नया जोड़ा मुझे दिया था, पर मैं भी कारण हूँ ना, ऐसे कीमती कपड़े तो नहीं पहन सकती। वो मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है? एक मिनट रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लो बीबी, ये वाला जोड़ा है। शुक्रिया। आप इतने नाम से पहन लो, मैं बाहर हूँ। रजिया, रजिया। जी बीबी। बीबी जी, मैं तो समझी थी आप खाली शादी के जोड़े में खूबसूरत लगती हो, पर आप तो इस जोड़े में भी बहुत चमक रही हो, कसम से बीबी जी। अल्लाह ने आपको ना बड़ा ही हुस्न दिया है, कोई इक्की बारी आपको देखे ना तो बस देखता ही रह जाए। लाना तो उस मत पे जिसने आप जैसी को छोड़ दिया। ओ मेरे मुंह में खाक, आप तो उसकी बुराई सुन ही नहीं सकती ना। लो ये जोड़ा तुम रख लो। मैं इस जोड़े का क्या करूंगी बीबी? हो सकता है तुम्हें जिंदगी में कोई ऐसा मर्द मिले जिससे तुम शादी कर लो, ताकि वो बीमारी को अलग से जुए में हारते। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते रजिया, हो सकता है कोई अच्छा भी हो। अच्छा, अगर सारे मर्द एक जैसे नहीं होते ना तो आपका मर्द भी आपको ये दाग लगा कर छोड़ कर नहीं चला जाता। छोड़े बेबी, मारी जुबान फिर फिसल गई। ये जोड़ा तो मेरी निशानी समझ कर रख लो। आप दिल से दे रही हो ना तो सौ बिस्मिल्ला, मैं ना इसे हमेशा अपने पास संभाल के रखूंगी। चलो अब मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे, अभी तो मैंने आपके लिए चाय नाश्ता बनाना है, आपने रात से कुछ भी नहीं खाया। मुझे भी भूख नहीं है, मैं निकलती हूँ बस। अच्छा, पर आप जाएंगी कहाँ बीबी? वो तो मैं निकलूंगी तो पता लगेगा कहाँ जाऊंगी। अच्छा बीबी, फिर आप ये पैसे रख लो, ये वही पैसे जो कल आपने मारे को दिए थे, आपके तो सारे पैसे लुट गए ना, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। रजिया ये पैसे मैंने तुम्हें दिए, ये मैं नहीं दे सकती। देखिए बीबी,
मैंने आपके कहने पे ना आपका ये जोड़ा ले लिया। बाप ये पैसे नहीं लोगी ना, तुम्हारे को बहुत दुख होगा। रख लो। मैंने सुना था भिखारन सिर्फ लेना जानती है, तुम पहली भिखारन हो जो देना भी जानती है। तुम्हारा दिल वाकई बहुत बड़ा है, तुम मुझे बहुत याद आओगी रसिया। आप भी बहुत अच्छी हो, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। कल रात वो मेरे ख्वाब में आकर मुझसे मदद मांग रही थी, मैं उसे देख नहीं पाया। एक तारीख कमरे में से आवाज दे रही थी, मैं उसकी तरफ बढ़ भी नहीं पाया। सारी रात ख्वाब में आके मदद मांगती रही और मैं सो नहीं पाया यार। ये तो बड़ी अच्छी बात है, तू उसके लिए टेंस हो रहा है जो रात भर तेरे ख्वाबों में आई। मैं तो समझा था तू उसे भूल चुका होगा। यार मैं तो सोच रहा हूँ कि यही खड़े खड़े उसे 3 बार तलाक दे दूं और उसे आजाद कर दूं ताकि ये टेंशन तो खत्म हो। ठीक है, दे दे 3 दफा तलाक, किससे ही पाक हो। वैसे भी तू मर्द है, दे सकता है। अच्छा अच्छा रिलैक्स, हाइपर क्यों हो रहा है। वैसे भी वो खो चुकी है, इसलिए मैं सोच रहा था कि निकाह खत्म कर दूं ताकि मेरे सर से बोझ तो उतरे। फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर तू अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है तो उसके लिए तेरी बीवी की मौजूदगी बहुत जरूरी है। और अगर रिटर्न वर्क में भी तू उसे तलाक देता है तो जरूरी है कि वो तहरीर उसकी नजरों के सामने से गुजरे, और अगर वो जाहिल है तो वो तहरीर उसे कोई पढ़ के सुनाए। तलाक के लिए बीवी की मौजूदगी बहुत जरूरी है। और अगर तू इस 4 दीवारी को सुनाता है तो तुझसे बड़ा इडियट कोई है। और ये 3 दफा तलाक दे देना बिल्कुल सही नहीं है। अंडरस्टैंड? हाँ तो क्या करूं मैं, वो मिल भी तो नहीं रही, जाने इस वक्त शहर में कहां भटक रही होगी वो। मैं तुम्हें भी खोजूंगी, शहर के कोने कोने में तलाश करूंगी। तुम निकाह के 2 बोल भूलकर मुझे भूल चुके होंगे, पर वो बोल मेरी जिंदगी के असासे हैं। मैं हर हाल में उनकी पास तारा करूंगी।